Good morning, students. In previous lecture, we have already discussed about itinerant retailers and the categories of itinerant retailers. That is, hawkers and peddlers, periodic market traders, street traders, and cheap jacks. I have already told you that those retailers who don't have fixed place, who don't have fixed shop. They search their customers from they and for searching their customers they move from one place to another place, from one street to another street. They are itinerant retailers. So moving towards the second category or the second type of retail trade, which is fixed shop retailers. Okay, we have completed this itinerant retailers, and moving next is fixed shop retailers. Fixed shop retailers, its name fixed. So these retailers who have a fixed shop or fixed place to sell their product are known as fixed shop retailers. They do not move from one locality to another, from one street to another, to search their customers. Customer will come their shop or store to purchase the product. Okay, so let's see what is the fixed shop retailers. Here it is written that the retailers have a fixed place of sale are known as fixed shop retailers. These retailers have shops in the marketplace or residential localities. They do not move from one place to another in search of customers. Customers come to their shops in search of products. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि fixed retailers वो retailers होते हैं जिनकी खुद की कोई फिक्स्ड शॉप और फिक्स्ड प्लेस होती है टू सेल देयर प्रोडक्ट. जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को सोल्ड करेंगे उसके लिए उनकी फिक्स्ड प्लेस और फिक्स्ड शॉप होती है. दैट आर नोन एज फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इटिनरेंट रिटेलर्स आर जनरली लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया, बट इन फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स दीज रिटेलर्स आर लोकेटेड इन मार्केट प्लेस एज वेल एज रेजिडेंशियल एरियाज और लोकेलिटी. फॉर सर्चिंग देयर कस्टमर्स दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन स्ट्रीट टू अनदर. उनको कस्टमर के पास नहीं जाना है, बल्कि कस्टमर को अगर प्रोडक्ट खरीदना होगा या परचेज करना होगा तो कस्टमर को उनके शॉप या स्टोर तक आना पड़ेगा. तो ये थे हमारे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स. जैसे कि इटिनरेंट्स में भी हमने कई सारी कैटेगरीज देखा था, लाइक हॉकर्स एंड पेडलर्स, चीप जैक्स, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स. वैसे ही हमारे पास फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की भी कैटेगरीज हैं. सो वी हैव टू कैटेगरी अंडर दिस फिक्स्ड शॉप रिटेलर. फर्स्ट इज स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप्स एंड लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप्स. फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स तो होते ही हैं जिनकी खुद की शॉप और खुद की स्टोर होती है, लेकिन इसके बावजूद उनकी दो कैटेगरीज हैं, एक स्मॉल स्केल और एक लार्ज स्केल. तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, स्मॉल स्केल मींस द बिजनेस साइज विल बी स्मॉल, नॉट वेरी लार्ज इन्वेस्टमेंट, नॉट वेरी कैपिटल, ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड. ओके, एंड लार्ज स्केल फिक्स्ड लाइक बिजनेस इज वेरी लार्ज, द साइज ऑफ द बिजनेस वेरी लार्ज एंड हायर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. सो फर्स्ट इज स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर. सो we are discussing small scale fixed retailer. इनकी ये ऐसे retailers होते हैं, मैंने already आपको बताया हुआ है कि fixed shop होगी, fixed selling place होगी, fixed place होगी, but the size will small. इसीलिए हम इनको small scale fixed retailers बोल रहे हैं. For example, like general stores या medical store. मेडिकल स्टोर को तो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट की बात की जाएगी. तो लाइक जनरल स्टोर, तो जनरल स्टोर में क्या होता है कि फिक्स्ड शॉप है, फिक्स्ड प्लेस है, कस्टमर्स आते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, बट द साइज ऑफ द बिजनेस इज स्मॉल. सो इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर. इनकी जनरली जो स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर होते हैं, ये हमारे रेजिडेंशियल एरिया या हमारे लोकेलिटी में ही सिचुएटेड होते हैं. तो लेट्स सी, स्मॉल स्केल रिटेलर्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिटेलर्स. दीज शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ मोस्ट सिटीज. दे आर मोस्टली सिचुएटेड इन लोकेलिटीज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन लोकल एरियाज. ओके,
तो इनका मेन मोटिव क्या होता है कि हमारे जहाँ हमारी शॉप सिचुएटेड है, मतलब रेजिडेंशियल एरिया में इनका मेनली शॉप होती है, और इनका मेन मोटिव क्या होता है कि हमारे रेजिडेंशियल एरिया या जिस एरिया में उनकी शॉप है वहाँ के जो भी कस्टमर हैं, वहाँ के जो भी लोग हैं, वो उनकी नीड्स और उनकी डिमांड को ये फुलफ़िल कर सकें। इसीलिए ये ज़्यादातर सिटीज़ के मोस्ट ऑफ़ द एरिया में सिचुएटेड होते हैं। जनरल स्टोर की अगर हम बात करें तो हर ही एरिया में आपको देखने को मिलेगा आजकल, तो जिनके पास इधर आपने देखा होगा लॉकडाउन में या उससे पहले भी कि अगर बहुत बिजनेस स्टार्ट किया और लॉस ही लॉस आ रहा है तो वो जनरली जनरल स्टोर ही ओपन कर लेते हैं जिसमें उनकी वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट होगा। तो ज़्यादातर सिटीज़ के हर ही कॉर्नर पे आपको देखने को मिलेंगे स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर। ओके, इसमें फर्स्ट कैटेगरी, इसके कुछ टाइप्स हैं स्मॉल स्केल में। फर्स्ट इज़ जनरल स्टोर, अभी मैंने आपको एग्जांपल पे बताया था वही है। जनरल स्टोर्स आर स्मॉल शॉप्स लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरियाज, छोटी शॉप्स होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, फिक्स्ड प्लेस होता है, लेकिन स्मॉल साइज जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। और ये कहाँ जनरली ये रेजिडेंशियल एरिया में ही सिचुएटेड होती हैं, अपने एरिया में सभी के घर के आसपास ये जनरल स्टोर होती हैं। ठीक है, अगर जनरल स्टोर की हम फीचर्स की बात करें तो कुछ ख़ास चीज़ें होती नहीं है, सभी को पता है, तो इसके फीचर्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपके खुद के जो पॉइंट्स हों, जनरल स्टोर आपके रेजिडेंशियल एरिया में है तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए जो भी फीचर्स आपको लगें कि हाँ ये मैटर टू द पॉइंट है, इसको हमें लिखना चाहिए। तो बुक से हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इसकी जो पॉइंट्स हैं वो हम कम लिखें, हम जो जनरली देखते हैं मार्केट में और जो ऑब्ज़र्व करते हैं उनको हम लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि जो जनरल स्टोर होते हैं उनके वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट हमको देखने को मिलती है। किसी भी स्टोर पे आप चले जाइए, जो अपडेटेड प्रोडक्ट होगा वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उसकी वैरायटीज़ और सब्स्टिट्यूट भी आपको मिलेगा। तो सबसे पहला ये कि वैरायटीज़ ऑफ गुड्स और वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। सेकंड थिंग इज़ दैट कि इट इज़ सिचुएटेड इन रेजिडेंशियल एरियाज़, हमारे आसपास के हर एरिया में जनरल स्टोर होते ही हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट कि जनरल स्टोर ऐसे स्टोर होते हैं जिनकी हेल्प से हमको न्यू और अपडेटेड प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज के टाइम पे अगर टीवी या फ़ोन, हालांकि ज़्यादातर सब सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू आपको न्यू प्रोडक्ट अपडेटेड प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट आप जब अपने जनरल स्टोर पे जाएंगे तो क्या करते हैं वो सेलर्स क्या करते हैं, जो न्यू प्रोडक्ट होता है उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए वो प्रोडक्ट को अपने शॉप के ऊपर पे या आगे कहीं वो रख देंगे ताकि आने जाने हर कस्टमर की उनकी निगाह पड़े और वो पूछें कि भाई किस टाइप का प्रोडक्ट है, क्या है, तो वो बताएं, तो उनकी सेलिंग भी उस प्रोडक्ट की इंक्रीज़ हो। तो न्यू और अपडेटेड प्रोडक्ट के बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन जनरल स्टोर से मिल जाती है। ठीक है, एक और फीचर है कि क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जैसे आसपास के हमारे एरिया के आसपास जो भी जनरल स्टोर्स होंगे तो वो जाहिर है हमारी उनसे उनकी जान पहचान है, वो जानते हैं कि हमारे एरिया में रह रहे हैं। तो अगर कभी ठीक है कैश नहीं है या कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो क्रेडिट फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये सिर्फ रेगुलर कस्टमर के लिए ही फैसिलिटी होती है। सारे कस्टमर्स को जिनको वो नहीं जानते हैं तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। प्लस दे क्रिएट पर्सनल रिलेशन विद द कस्टमर्स, आने वाले हर कस्टमर से इनके पर्सनल एक कॉन्टैक्ट, एक पर्सनल रिलेशनशिप हो जाता है। और उनका मतलब ऑब्जेक्टिव ये ऐसा होता है कि कस्टमर से हमें पर्सनल रिलेशन रखना है, तभी हमारा कस्टमर बार बार हमारे शॉप पे आएगा और हम उसे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और वो परचेज कर लेगा। ठीक है, और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कि जनरली इस जनरल स्टोर में हमारे ग्रॉसरीज, कन्फेक्शनरीज, मतलब किस टाइप के प्रोडक्ट हमारे वहाँ सेलिंग होते हैं, वैराइटीज़ तो मिलेगी लेकिन किस टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, डेली यूज़ प्रोडक्ट्स या किचनवेयर या ग्रॉसरीज या कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी भी लिख सकते हैं, होता है कई सारे जनरल स्टोर्स में। ठीक है, तो ये सारी जो हमारी रेगुलर लाइफ के जो चीज़ें हैं वर्किंग डेज की, वो हमारे प्रोडक्ट हमें जनरल स्टोर से ही मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ ख़ास बताने की इसमें फ़ीचर्स की चीज़ें नहीं हैं, अगर पॉइंट्स बुक के याद नहीं भी आते हैं तो आप खुद के अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं, बट इट शुड बी अप टू द पॉइंट, टू द टॉपिक, इट शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक। ओके,
मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइप ऑफ स्मॉल स्केल. देखिए ध्यान रखिएगा कि हम स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर के टाइप्स पढ़ रहे हैं. फर्स्ट वी हैव डिस्कस जनरल स्टोर्स एंड नेक्स्ट इज स्पेशलिटी स्टोर्स. स्पेशलिटी स्टोर्स जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है स्पेशल, ये ऐसे स्टोर्स होते हैं या ये ऐसे रिटेलर्स होते हैं जो कि वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट में ही डील करते हैं. मतलब आप उनकी शॉप में जाइएगा तो उन वो सिर्फ किसी एक ही प्रोडक्ट में सेलिंग कर रहे होते हैं और उसी की उनकी कई सारी वैरायटीज़ होंगी. लाइक मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर हम कह सकते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल है मेडिकल स्टोर. मेडिकल स्टोर में फिक्स्ड शॉप है, उनकी फिक्स्ड स्टोर है और स्मॉल स्केल में भी आ रही हैं क्योंकि बिज़नेस का साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज तो होता नहीं है, स्मॉल होता है. और प्लस वो सिर्फ मेडिसिन या मेडिकल प्रोडक्ट्स जो हमारे होते हैं उन्हीं में वो डील करते हैं. तो हम बेस्ट एग्जांपल यहाँ होगा कि मेडिकल स्टोर का हम यहाँ एग्जांपल दें. क्यों? क्योंकि इट इज़ अ इट हैज़ साइज़ ऑफ स्मॉल बिजनेस. स्मॉल बिजनेस इनका साइज़ होता है, प्लस दे हैव फिक्स्ड शॉप और फिक्स्ड स्टोर एंड दे डील ओनली वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज़ मेडिसिन और मेडिकल प्रोडक्ट्स. ठीक है, कई सारे इसके भी फीचर्स हैं. इसमें एग्जांपल में आपके बुक में दिया है स्वीट कॉर्नर, इसका भी देख सकते हैं आप. स्वीट कॉर्नर या जैसे किसी स्वीट हाउस में जाइए तो उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ स्वीट से रिलेटेड वैरायटीज मिलेंगी, कोई अदर गुड्स या अदर प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा. तो स्पेशलिटी स्टोर की सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं. ओके, फीचर्स अब देख लेते हैं. फर्स्ट इज दीज स्टोर्स डील विद वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट. ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये वन लाइन प्रोडक्ट में ही डील करते हैं. वन लाइन प्रोडक्ट में उनकी कई सारी वैरायटीज़ होंगी लेकिन प्रोडक्ट एक ही रहेगा. एग्जांपल आपको दिया हुआ है गारमेंट्स लाइन. गारमेंट की आप शॉप में अगर चले जाइए तो गारमेंट की शॉप में अगर आप कहें कि भाई वहाँ पर हमको कन्फेक्शनरी का या स्टेशनरी का कुछ सामान मिलेगा तो दे विल सेड नो, इट इज़ अ गारमेंट शॉप. तो ये होते हैं स्पेशलिटी स्टोर जो सिर्फ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ही डील करते हैं. स्टेशनरी लाइन, स्टेशनरी में भी आप कह सकते हैं कि स्टेशनरी शॉप है अगर तो वहाँ स्टेशनरी से रिलेटेड नोटबुक, पेन या अदर जो हमारे स्टेशनरी के प्रोडक्ट आते हैं वो आपको मिलेंगे. ग्रॉसरीज या कन्फेक्शनरी के प्रोडक्ट आपको वहाँ नहीं मिलेंगे. टेक्सटाइल्स में भी है, मेडिसिन ऑलरेडी हम आपको बता ही चुके हैं और शूज़ में भी कुछ ऐसे ही है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप अपने नोट्स में अपने एग्ज़ाम में इंक्लूड कर सकते हैं. बेस्ट एग्जांपल तो यही दिया हुआ है हीरा स्वीट कॉर्नर, तो स्वीट शॉप भी आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज दीज स्टोर्स डील इन अ वैरायटी ऑफ गुड्स इन दैट लाइन ऑफ प्रोडक्ट. मींस जिस लाइन का प्रोडक्ट वो सोल्ड कर रहे हैं उसी की वो वैरायटीज रखेंगे. लाइक स्टोर्स डीलिंग इन गारमेंट्स हैव लेडीज़ गारमेंट्स, चिल्ड्रन गारमेंट्स, जेंट्स गारमेंट्स, गारमेंट्स ऑफ ऑल साइजेस ब्रांड्स. मींस वो शॉप जो स्मॉल स्केल में आ रही है स्पेशलिटी स्टोर है लाइक गारमेंट शॉप. तो गारमेंट की शॉप पे अगर आप जाएं नॉर्मल मार्केट में, अगर गारमेंट शॉप पे जाएं तो वहाँ आपको लेडीज़ गारमेंट्स भी मिलेंगे, चिल्ड्रन मतलब बच्चों के भी मिलेंगे, जेंट्स गारमेंट्स भी मिलेंगे. सारे गारमेंट्स की आपको वहाँ पर ब्रांड और साइजेस सारे अवेलेबल होंगे. लेकिन अगर आप उनसे ये कहें कि गारमेंट से हटकर भाई कोई स्टेशनरी का सामान आपके यहाँ होगा या आपके यहाँ ग्रॉसरीज का सामान होगा तो वो क्या कहेंगे कि पागल ही है जो गारमेंट की शॉप देखकर ग्रॉसरीज और वो पूछ रहा है. कहने का मतलब ये है कि स्पेशलिटी स्टोर वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील ज़रूर करते हैं और उन्हीं की कई सारी वैरायटीज़ भी उनकी होती हैं. जैसे अभी हमने गारमेंट के एग्जांपल देखा तो यहाँ लेडीज़ गारमेंट भी अवेलेबल होगा, जेंट्स गारमेंट भी अवेलेबल होगा, सारे साइजेस सारे ब्रांड्स अवेलेबल होंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ गारमेंट. ओके, दे आर जनरली सिचुएटेड इन मार्केट प्लेसेस. अभी मैंने बताया आपको कि ये जो हमारे स्पेशलिटी स्टोर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऑफ प्रोडक्ट में ही डील करते हैं वो मार्केट प्लेसेस में ही जनरल आपको देखने को मिलेंगे. आपके आसपास रेजिडेंशियल एरिया में नहीं मिलते हैं. आसपास के रेजिडेंशियल एरिया में आपको जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर यही आपको मिलेंगे. दे प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज विच वैरी फ्रॉम स्टोर टू स्टोर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट. कह रहे हैं ये कस्टमर सर्विस को प्रोवाइड करते हैं. एक स्टोर से दूसरे स्टोर पे आए तो कस्टमर जिस टाइप की डिमांड करता है उस टाइप के प्रोडक्ट को हमको दिखाना है. इस पर ये फोकस, मेन फोकस इनका इसी पे रहता है. दे जनरली कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कस्टमर. एक अगर कस्टमर आया है, अगर किसी एक कस्टमर ने एक गारमेंट की
डिमांड को जाहिर किया है, शो किया है, तो उस ब्रांड से रिलेटेड जितने भी उनके पास वैरायटीज हैं सबको वो दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास वही प्रोडक्ट है और कोई टाइप ऑफ प्रोडक्ट में वो डील नहीं कर रहे हैं, तो वो ये चाहेंगे कि जो कस्टमर आया है गारमेंट की रिक्वायरमेंट लेके, हम उसकी वैरायटीज या जो भी हमारे पास ब्रांड्स हैं साइज हैं उनको हम दिखाएं, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स या प्रोडक्ट सोल्ड हो जाए। ओके, थर्ड कैटेगरी ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर इज स्ट्रीट शॉप्स। ध्यान रखिएगा, अभी हम स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर की टाइप्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज जनरल स्टोर, सेकेंड इज स्पेशलिटी स्टोर, थर्ड वन इज स्ट्रीट शॉप्स। थर्ड वेराइटी ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर इज स्ट्रीट शॉप्स। स्ट्रीट शॉप्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्ट्रीट मीन्स रोड। ओके, दोज शॉप्स हु हैव फिक्स्ड प्लेस बट ऑन अ स्ट्रीट ऑन अ रोड, they are situated across a street crossings or main roads. Like अगर हम stall की बात करें तो अक्सर आपने देखा होगा कुछ ऐसे बड़े size में जो stalls होते हैं, जो cosmetic की कुछ चीज़ें या फिर toys या magazines वगैरह उसको sold करते हैं। हमको पता होता है, आने जाने वाले डेली कस्टमर्स लोगों को भी पता होता है कि इनकी परमानेंट स्टॉल यहीं लगती है। तो वो क्या होते हैं, वो कॉलोनीज़ के साइड पे या रोड के क्रॉसिंग्स पे या मेन रोड पे अपनी वो स्टॉल लगाते हैं। इनको हम स्ट्रीट स्टॉल्स भी कहते हैं। हेयर इट इज़ रिटन, दीज शॉप्स आर सिचुएटेड एट स्ट्रीट क्रॉसिंग्स और ऑन मेन रोड्स और ऑन कॉर्नर्स ऑफ कॉलोनीज, दे आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रीट स्टॉल्स। तो रोड की क्रॉसिंग पे या मेन रोड पे या कॉलोनीज़ के कॉर्नर पे ये इनकी जो स्टॉल होती है वो सिचुएटेड होती है, इनको हम स्ट्रीट स्टॉल्स भी कहते हैं। ओके, फीचर्स इनके हम आपको बुक से रेफ़र नहीं करेंगे कि आप बुक को उठाकर पॉइंट टू पॉइंट लिखिए या पॉइंट वाइज ही देखिए। फीचर्स इसके आप ख़ुद से बना कर लिख सकते हैं। फर्स्ट फीचर तो आपको यही हो गया कि ये स्ट्रीट इनको स्ट्रीट स्टॉल्स भी कहते हैं। ये जनरली अपनी जो प्रोडक्ट या गुड्स होता है उसका वो डिस्प्ले करने के लिए और सोल्ड करने के लिए ये स्टॉल का, टेबल का या स्टैंड का यूज़ करते हैं और उसी पे अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं। सेकेंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इनकी ये जिस टाइप के प्रोडक्ट में डील करते हैं वो वाइड वैरायटी की होती है, प्लस उसका प्राइस भी लो होता है। बहुत हाई ब्रांड की तो चीज़ें ये मतलब सोल्ड नहीं करते हैं, लेकिन वैरायटीज़ ज़रूर होती है और क्योंकि नॉन ब्रांडेड होगा तो प्राइस भी लो। ओके, तो ये जो है अपने गुड्स का या प्रोडक्ट का डिस्प्ले करने के लिए टेबल, स्टैंड या स्टॉल की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं। सेकेंड थिंग इज़ की वाइड वैरायटी ऑफ लो प्राइस गुड्स, मींस जो प्रोडक्ट ये वाइड वैरायटी के प्रोडक्ट्स को सोल्ड करते हैं प्लस नॉन ब्रांडेड होती है, तो वो प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो भी जनरली लो होता है। ये किस टाइप के प्रोडक्ट, इनके होजरी आइटम्स, टॉयज, मैगजीन्स या फिर कॉस्मेटिक आइटम्स भी आप लिख सकते हैं या फिर गारमेंट आइटम्स। अक्सर आपने देखा होगा जब विंटर सीज़न या समर सीज़न आता है तो उनों की परमानेंट स्टॉल लग जाती है, ठीक है। स्टॉल पे वो गारमेंट्स रिलेटेड, होजरी से रिलेटेड है ना, सारी चीज़ें साइड में रोड की साइड पे कॉर्नर पे वो रख देते हैं ताकि आने जाने वालों देखें लोग और हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर लें। नेक्स्ट मेन टाइप ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर इज सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। फर्स्ट वी हैव डिस्कस जनरल स्टोर, सेकेंड इज स्पेशलिटी स्टोर, थर्ड इज स्ट्रीट शॉप्स एंड द फोर्थ वन इज सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। तो सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, सेकेंड हैंड इट मीन्स यूज्ड गुड्स। ये वो रिटेलर्स या ये वो शॉपकीपर्स होते हैं जो सेकेंड हैंड गुड्स या यूज्ड गुड्स को सोल्ड करते हैं। इलाहाबाद में भी हमने देखा है कई बार, इधर सिविल लाइन साइड जो रोड साइड पे लगाते हैं वो लोग, वो आई थिंक सेकेंड हैंड या यूज्ड गारमेंट्स का लगाते हैं और जिनको भी लेना होता है, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू परचेज दैट सेकेंड हैंड प्रोडक्ट और यूज्ड प्रोडक्ट, दे कैन
परचेज इट. तो सेकेंड हैंड गुड्स का मेन जो फीचर है वो यही है आपका कि ये सेकेंड हैंड या यूज प्रोडक्ट को सोल्ड करते हैं. ये जनरली रोड के साइड पे और या फिर बिजी स्ट्रीट्स पे सिचुएटेड होते हैं, लाइक यूटेंसिल्स, बुक्स, फर्नीचर्स, गारमेंट्स. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और आपने देखा भी होगा यूज्ड प्रोडक्ट को, जैसे लेबर वगैरह है, दे डोंट हैव सो मच मनी, तो दे कैन यूज़ सेकेंड हैंड और यूज प्रोडक्ट. ओके, लेट्स मूव टू द फीचर्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शॉप. फर्स्ट इज यूज्ड गुड्स या फिर सेकेंड हैंड गुड्स को ये यूज उसकी शॉपिंग करते हैं, मतलब सेलिंग करते हैं, इनके जो गुड्स के प्राइसेस होते हैं वो जनरली लो होते हैं. क्यों लो होते हैं, वजह आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स का ये सेलिंग करते हैं, इस वजह से इनके जो प्रोडक्ट की प्राइस होते हैं वो भी बहुत लो होता है और क्वालिटी भी लो होती है. ओके, दे बाय गुड्स फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक ऑक्शंस. ऑक्शंस सेलिंग जो होती है मीन्स तो ऑक्शन सेलिंग में ये अपने प्रोडक्ट को की से शो करते हैं. ऑक्शन मींस जैसे नीलामी वगैरह होती है, ओल्ड गुड्स हो गए या ओल्ड गारमेंट्स, पुराने टाइप के. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्रेडिशनल चीज़ें या ऐसी कोई पुरानी चीज़ें रखने की शौक़ रखते हैं, तो वो इस टाइप की ऑक्शन सेलिंग में जाते हैं जहाँ पुरानी चीज़ों के, पुराने आइटम्स की नीलामी होती है. तो ये जो सेकेंड हैंड गुड्स रिटेलर्स होते हैं वो इस ऑक्शन में, अपने प्राइवेट और पब्लिक ऑक्शन में अपने गुड्स को डिस्प्ले करते हैं. These shops are mainly for the poor people who cannot afford to buy new goods. ये point already मैंने आपको बताया कि वो poor people like labor या those peoples who are poor and they don't have so much money to purchase new product. They can, this second hand goods shop are beneficial for that persons. Next and the last one is sometimes people from high income group also visit these shops in search of antique items, rare books. वो लोग जो कि पुराने चीज़ों के या एंटीक चीज़ों के का शौक़ रखते हैं, उस टाइप की उनको चीज़ों को कलेक्ट करने के होते हैं. जैसे कई लोगों को मैंने देखा है कि एंटीक कॉइन्स, जो पुराने टाइम्स पे कॉइन्स चलते थे, या वो लोग जो कपड़े पहनते थे, शूज़ जिस टाइप का पहनते थे, हमको उनको कलेक्ट करने का शौक़ होता है. तो वो टाइप के पर्सन्स, ये सेकेंड हैंड गुड्स शॉप उनके लिए बेनिफिशियल होगा. जब भी कभी ऑक्शन होगी या नीलामी होगी तो सेकेंड हैंड या पुरानी चीज़ों की वहाँ सेलिंग होती है. तो दोज हु आर इंटरेस्टेड विद टू सेल और टू परचेज एंटीक आइटम्स, this second hand goods shops are beneficial for that persons. Okay, next and the last category of small scale fixed shop retailers are second shops.